सिम का कनेक्शन कितने दिन में हुआ? दो हफ्ते से कम, दो हफ्ते से कम, दो हफ्ते से कम, लेस देन 2 वीक्स बोला था, हां लेस देन 2 वीक्स बोला था, और दो दिन छुट्टी है, दो दिन छुट्टी, चार दिन से कम, ये कहां से हो गए? वो तो 14 दिन में बन के अंदर बनना है, आप सब तो न्यायाधीश है, हमने वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर रखी है, आप दिखा भी सकते हैं कि स्टेशन में क्या कहा था। देखिए देखिए आप लोग देखिए, देखिए आपको दोनों ग्रुप को फेरे ग्रुप कार में तो ऐसा कहीं था कि उसमें ये कहा गया था या नहीं कि दो हफ्ते के अंदर में कार्य समाप्त हुआ? ये पूरे हाउस कह रही है, कार्ड में हो ना हो वो तो बात की बात, कार्ड में ऐसे बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो हमारी रिलीवेंट है और बहुत सारे है जो रिलीवेंट नहीं है। Yes or no? Yes, yes, sir. ये तो आपकी बुद्धि की खेल थी कि आप कितना मुद्रा रहे हैं, हम आपको कितना कंफ्यूज करा सकते हैं, ये भी हम वाच कर रहे थे, असेस कर रहे थे कि आप इतने अच्छे मैनेजर हैं तो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आएंगे, बहुत सारे विरोध हो गए, बहुत संघर्ष सामना करना पड़ेगा, लेकिन आप उसमें अपने को कितना स्टैंड करा हुआ है, कौन सी चीज आपसे रिलेवेंट है, कौन सी चीज को आप दिमाग में डालेंगे और कौन सी चीज को रिजेक्ट कर देंगे, ये भी आपका एक स्क्रीनिंग सिस्टम है, ये भी आपके एक जजमेंट है। तो पहले तो हम रेशनल देख लेते हैं इसका कैलकुलेशन कैसी होती है, आप 27th डे में चले गए, 28th डे में चले गए और बाद में जब सुनने लगे पता चला कि नहीं ये तो दो हफ्ते के अंदर में खत्म हुआ, हमारी इंडियन सिस्टम होती तो दो हफ्ते के अंदर में 7 days plus 7 days 14 days होनी चाहिए, लेकिन ये जिस देश की बात हो रही है, आप लोग जिस देश में अभी कैलकुलेशन कर रहे थे वहाँ पर 5 days इन ए वीक है, तो 5 by 10 days होनी चाहिए, तो उस समय फिर ये 27th day 28th day ही आसान लग रहा है ना। तो देखते हैं पहले कैलकुलेशन कैसे निकाला, जल्दी से में 300 और वर्क जो कंप्लीट हुआ है ऐसे 4th डे में हुआ है, दिस इज आल्सो लीव, सो द जिन माइट हैव कंप्लीटेड इन ऑन दिस डे। रेशनल क्या था, नहीं ऐसे भी रेशनल क्या था, कैसे निकाला? जरूर बता दो सर, हिसाब तो कुछ आएगा बताइए, या तो हिसाब कुछ नहीं है, हां भी क्या था दो बातें आ गई, ये कह रहे 37,500 और ये कह रहे 50,000, आपने 37,500 कैसे निकाली? जिसका नाम जीरो, उसमें ये डायमेंशन दी है कार्ड में 50 गुना 100 गुना 10,
तब उससे 50,000 निकाल रहे हैं। आप कह रहे हैं कि कोई उसमें कुछ और 37,500 लिखा हुआ है, आपने बिना कैलकुलेशन के लिखे वैसे दिया ना, ये कैलकुलेट करके ये डिफरेंस है। मैं सही गलत नहीं कह रहा हूँ, ये डिफरेंस होता है। There are 9 mills out of which only 8 are working. Okay. And one is bearing 150 blocks. So 150 into 8. 1 to 12 था किसके पास कार्ड? दिस मच ब्लॉक एक दिन में कितने स्लिप्स होते हैं? कुछ किसी के पास कार्ड था? दिस टू बी दिस मच ब्लॉक नोट किया था ना, नोट डाउन किया था। मोबाइल से कैलकुलेट कर लो भाई, इट विल बी 50,000 4 पॉइंट समथिंग। ओके सो इन आवर डे इज वन इज एक्वा, सेकंड वन इज एक्विनिमस, थर्ड वन इज सारे, फोर्थ वन इज मार्मार, एंड फिफ्थ वन इज टी। ओके एडोट्रा 4 point something. This day is leave. So again, next will be started with equality. Your answer is equality. So my answer is equality. तो इनका इन्होंने ये कैलकुलेशन दिया, देखिए क्या डिफरेंस है दोनों टीम के अप्रोच में। इन्होंने एक डायमेंशन निकाली और कार्ड में कह रहे हैं कि 50 फीट × 100 फीट × 10 फीट डायमेंशन कार्ड में दी है। आप दोनों के कैलकुलेशन में ये डिफरेंस है, आपने कार्ड में 37,500 को दिया और इन्होंने इस डायमेंशन से निकाला, तो आपका 37,500 आया, इनका 50,000 आया। और एक जो ब्लॉक है वो 1 क्यूबिक फीट का है, तो उससे भाग देंगे, मतलब 50,000 में भाग, इन्होंने 50,000 में भाग देना है, दिया आपने 37,500 को दिया। इन्होंने भाग किसका दिया देखिए, 9 कितना भाई 150 × 8 × 9 और आपने 1350 का कैसे आया था 150 वो तो पूछ लो। एक जो एक दिन का जो वर्किंग वर्क आया उनका, हाँ आपका 1300 एक दिन का, एक दिन का 1350 आया और इनका एक दिन का 10,800 आया, एक दिन का 1200 में 9 भी तो गुणा कर रहे हैं। तो ये डिफरेंस है दोनों के अप्रोच में। अब आगे बात करें, कहां बताया हमने निकाला वो कितने स्क्रिप्ट वो हमारा था जो कार्ड भी था ना, ठीक है वो अंतर है। चलिए बात करते अभी क्लियर, चलिए समय पर नजर पे रहते हुए हम लोग थोड़ा सा स्क्रीन में चलेंगे क्योंकि हम लोग यहाँ मैथमेटिक्स करने नहीं आए, फिर से मैं दोहरा रहा हूँ उसको। हमारी फोकस ये था कि हम प्रोसेस देख रहे थे कि आप लोग किस तरह से लीडरशिप को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं और कौन सी ग्रुप में किस तरह से लीडरशिप इमर्ज हो रही है, ठीक है उसमें चलेंगे अभी। लेकिन उसके पहले थोड़ा मैथमेटिकल पार्ट देख लेते हैं। जैसे इस टीम ने समझाया कि जो डायमेंशन दिया हुआ है ऑलरेडी कार्ड में, उसमें ऐसे लिखा गया लेंथ 50 फीट, विड्थ 10 फीट और हाइट 100 फीट। तो आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपको टोटल नंबर ऑफ स्टोन ब्लॉक्स आएगा 50,000। और स्टोन ब्लॉक्स आर ऑफ 1 क्यूबिक फुट ईच, ये भी दिया हुआ है ना, 1 क्यूबिक मीटर मींस 1 फुट क्यूब। सो टोटल ब्लॉक्स रिक्वायर्ड विल बी 50,000, ऑब्वियस है। ईच वर्कर वर्क्स 7 स्लेव्स अ डे, दो रेस्ट में रहते हैं, ये दिया हुआ है। One working day has 9 slaves. So each worker lays 150 blocks per slave, जो दिया हुआ डाटा है। So total blocks laid by each worker per day will be 150 blocks multiplied by 7 number of slaves. ये आता है 1050। और gang of 9 people on site and 1 doesn't lay blocks because of religious activities. ये भी दिया हुआ है ना, कोई धार्मिक कार्य के लिए वो काम नहीं करता। सो 9 - 1 हो जाएगा, तो दैट विल बी 8 वर्कर्स आर लेइंग ब्लॉक्स ऑन वर्किंग डेज। सो टोटल ब्लॉक्स लेड पर डे विल बी 1050 मल्टीप्लाइड बाय 8 वर्कर्स, टोटल आता है 8400 ब्लॉक्स। 8400 ब्लॉक्स और टोटल ब्लॉक्स हमारे पहले जो कैलकुलेशन हुआ था 50,000, टोटल लेड पर डे 8400, तो उसको भाग कर देंगे तो आपको ये फ्रैक्शन आ रहा है 5.95।
पॉइंट समथिंग में शिफ्ट पोस्ट होता है 6th डे है ना, तो 6th डे में चला जाएगा तो आपका टोटल नंबर ऑफ डेज देख लीजिए, ये है फर्स्ट डे अपर डे, सेकंड डे हैप्पी डे, थर्ड डे सात डे, फोर्थ डे मरमेड डे, फिफ्थ डे डेड ऑल ड्रम, और हमें 6th डे की जरूरत है। 5th डे के बाद No work on dendrodrum, ये भी दिया हुआ। So the sixth working day is neptune. ये rational है, तुक्का नहीं है ये। Answer सही है। ये सही हो गया। ये क्या चाहिए?